पहले हमने इसको मना करना है कि ये काम करना ठीक नहीं है, बल्कि ये काम करना ठीक है। तो ये देखें, शूज पहन के जाना ठीक नहीं है। तीसरी लाइन में हमने लिखना है कि शूज उतार के जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरी लाइन लिख रहा हूं कि शिन को बोलते हैं पहनने को, शिन को थरो खादा, खादा का दा हटा के म्यन आंदे ओ, फाचिम होगा तो उ म्यन, फाचिम नहीं है तो हाली म्यन होगा, म्यन आंदे ओ, ठीक हो गया। शिम्बरुल शिंको थोरो खा में नांदे हो, ये इसका मुतबादल हो गया, ये देखें इस लाइन का, फाबुल कुरुसल थुल को मोगो में नांदे हो, शिम्बरुल शिंको थोरो खा म्यों नांदे हो। अच्छा, तो ये हम पढ़ रहे थे शिम्बल शिंक को थोरो खामे और अंधे हो, हमने इसको मना कर दिया इसकी जगह कि आप बूट पहन के अंदर जाना सही नहीं है, ये ग्रामर हमने पढ़ी हुई है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको सही वाला बताएंगे, ये वाला कि शिम्बल के शूज उतार के जाना पड़ता है, ये आज हमने ग्रामर पढ़ी है। शिम्बरुल फोक्को, फोत्ता का मतलब क्या होता है, उतारना, शिम्बरुल फोक्को थुरो खादा, दा हट गया, तो अब आया देव होगा या ओया देव होगा, डेफिनेटली आया देव, थोरो खाया, आ ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, खाया देव, खाया देव या खाया हे वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपने इनको लिखना भी है, स्क्रीन से देख के जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ आप इसको लिख लें, और साथ इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लें, बोलने की प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से इसका क्या करना पड़ेगा, फाबुल मोलते डैश डैश डैश, पूरा सेंटेंस तीनों ही लिख लेता हूं मैं, हंगू केसो, जैसे ऊपर लिखा हुआ था, हंगू केसो फाबुल मोलते, कोरिया में खाना खाते वक्त ओत्तो के हेया देओ, ओत्तो के हेया देओ, क्या करना पड़ेगा। दूसरी लाइन में हमने इस चीज से उसको मना करना है, इस चीज से, तो ये क्या कर रहा है, ऊंची आवाज से बातें कर रहा है, खुन सुरीरुल नेम्योन अंधेयो, ऊंची आवाज से बोलना ठीक नहीं है, खुन खुन सुरी या सुरीरुल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सुरीरुल खुगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने इसी तरह पढ़ा था, इस तरह लिख सकते हैं, खुगे नेदा, नेदा का दा हटा लिया, अब म्यौन फाचिम होगा तो उम्यन होगा, उम्यन अंधे हो, और फाचिम नहीं होगा तो म्यन अंधे होगा, तो यहाँ पे चूंकि फाचिम नहीं है तो हम म्यन अंधे हो, सोरी रुल खुगे ने म्यन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, और ये आल्सो क्वेश्चन मार्क आल्सो यहाँ पे आइए, ठीक है, सोरी रुल खुगे ने म्यन अंधे हो, कोरिया में खाना खाते वक्त है ऊंची आवाज से आवाज नहीं निकालनी, बात नहीं करनी, शोर नहीं मचाना। अब इसको सही तरीका बताएंगे, वो ये लिखा हुआ है कि छोयोंग छोयोंग, ये वाला योंग नहीं है, ये वाला योंग है, छोयोंग ही मोकदा, छोयोंग ही मोकदा, यानी कि खामोशी से खाना, छोयोंगी बोलते हैं खामोशी से, छोयोंगी किसको बोलते हैं, खामोशी से, छोयोंगी मोकदा, तो हमने ये बात करनी है कि खामोशी से खाना खाना पड़ता है, पड़ता है, ये ग्रामर आज हमने पढ़ी है, तो चूंकि इसका मोकदा का फाचिम है ना मोका, तो हम फाचिम होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, फाचिम की वजह से नहीं बल्कि ये वावल की वजह से है, यहाँ पे आयो या ओयो लगेगा, ओयो लगेगा, तो ओयो से ओया देओ या ओया हेओ, कुछ भी लगा लें, छोयोंगी मोया हेओ, आहिस्ता से खामोशी से खाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हंगु के सो छिया छोरे सो, ये करते वक्त छिया छोरे सो, हंगु के सो छिया छोरे सो, इसको सेंटेंस कैसे बनेगा, हंगू के सो,
한국에는 지하철에서 어떻게 해야 돼요? जी बेटा, मेरी बेटी ने जो है ना बाहर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि पापा बहुत टाइम हो गया, अब बाहर आ जाएं। तो मैं अभी अब बाहर जाने वाला हूँ, थोड़ा सा ही रह गया। तो हंगु के सो छिया छोरे सो ओत्तो के हिया देओ, कोरिया में छिया छोर यानी सब्वे में क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है ये देखें, हमने जो है वो सीट के ऊपर ये नोयक चा, ये लिखा है नोयक चा, हमने पढ़ा था कि जो स्पेशल सीट्स होती हैं माजूरों के लिए, एजेड लोगों के लिए स्पेशल सीट्स हैं, उन पे कब्जा करके नहीं बैठना, ठीक है? उन पे हमने क्या करना है,